नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और गुरुवार का दिन है। पूर्णिमा तिथि आज शाम 7:24 तक रहेगी। आज दोपहर 12:13 तक परिघ योग रहेगा। साथ ही आज सुबह 9:17 तक विशाखा नक्षत्र भी रहेगा। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र लग जाएगा। आज बुद्ध पूर्णिमा है। साथ ही आज छिन्नमस्ता जयंती भी मनाई जाएगी। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 9:15 से शाम 7:23 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 9:15 से कल सुबह 5:13 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 25 मई की सुबह 10:36 से दोपहर 1:41 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त अगले महीने 13 जून की सुबह 5:34 से दोपहर 12:26 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 30 मई की सुबह 7:31 से सुबह 8:44 तक और एक बार फिर दोपहर पहले 11:04 से शाम 5:57 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 27 मई की शाम 6:39 से रात 12:40 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 27 मई की शाम 6:09 से रात 12:10 तक और एक बार फिर देर रात 1:41 से भोर 4:27 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 27 मई की शाम 6:09 से रात 12:10 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 25 मई की सुबह 10:36 से दोपहर 1:41 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज दोपहर पहले 11:24 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, कन्या, तुला और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 पहले और 12 बाद तक कोई भी शुभ कार्य अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 2 से दोपहर बाद 3:43 तक। मुंबई दोपहर 2:13 से दोपहर बाद 3:52 तक। चंडीगढ़ दोपहर 2:03 से दोपहर बाद 3:47 तक। लखनऊ दोपहर 1:45 से दोपहर बाद 3:27 तक। भोपाल दोपहर 1:57 से दोपहर बाद 3:37 तक। कोलकाता दोपहर 1:13 से दोपहर 2:53 तक। अहमदाबाद दोपहर 2:16 से दोपहर बाद 3:56 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 1:41 से दोपहर बाद 3:17 तक।
ये था कुछ शहरों का राहुकाल, और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। कोई बड़ा और अलग काम करने से आपको बचना चाहिए। किसी मामले को आपको बातचीत और शांति से सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही आप संवेदनशील भी हो सकते हैं। परिवार वालों के साथ अधिक से अधिक समय बिताएंगे। आज कुछ मामलों पर आप विचार कर सकते हैं। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। किसी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आपके पक्ष में आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आपकी कई योजनाएं समय से पूरी हो जाएंगी। परिवार का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। अपनी ऊर्जा से आप बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। किसी कठिन परिस्थिति में आपको कुछ लोगों से आसानी से मदद मिल जाएगी। आपके भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। सोचे हुए काम पूरे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। दोस्तों के साथ घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं। आप खुद को तंदुरुस्त महसूस करेंगे। इस राशि के मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतर है। आपके परिवार में सुख सौभाग्य बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करेंगे। ऑफिस में उच्चाधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। कुछ नए विचारों पर भी काम कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा। इस राशि के कारोबारियों को पैसों के मामले में लाभ हो सकता है। आज रोज की अपेक्षा ऑफिस में काम आसानी से पूरा होगा। साथ ही बॉस आपकी परफॉर्मेंस से खुश होकर आपको कोई अच्छा सा गिफ्ट दे सकते हैं। संतान पक्ष से सुख मिलेगा। दूसरों की जरूरतों को पूरा करने की आज आप कोशिश करेंगे। आपकी ऊर्जा से लोग प्रभावित होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। इस राशि के कारोबारियों को उम्मीद से ज़्यादा लाभ मिलेगा। ऑफिस में आपको अपनी राय रखने का पूरा मौका मिलेगा। दूसरे लोग आपकी योजना से काफ़ी प्रभावित होंगे। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। लवमेट्स के लिए आज का दिन बेहतरीन है। परिवार के लोग आपके लिए मददगार होंगे। इस राशि के जो लोग सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े हैं, उन्हें आज उन्नति के कई सुनहरे अवसर मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 4। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। सभी काम आपके मन मुताबिक पूरे हो सकते हैं। जरूरत से ज़्यादा एकाग्रता के कारण आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। कुछ मनोरंजन के मौके मिल सकते हैं। संतान से कोई खास खुशखबरी मिल सकती है। आपको अपनी वाणी पर संयम बनाए रखना चाहिए। किसी बात को लेकर ज़्यादा जिद करने से आपको बचना चाहिए। आप सामाजिक कार्यों में हिस्सा ले सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। तुला राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आपको पुरानी बातों के झंझट में पड़ने से बचना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से कुछ लोग आपका विरोध कर सकते हैं। प्रभावशाली लोगों से मुलाकात की संभावना है। निवेश के मामले में कोई आपको नई सलाह मिल सकती है। आज लोगों की नज़रों में आपकी पॉजिटिव इमेज बनेगी। कंप्यूटर के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। आपके अधूरे काम पूरे हो सकते हैं। कुछ नए मौके आपको मिलेंगे। मिलकर किए गए कामों से आपको बहुत हद तक सफलता मिलने के योग हैं। आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। कोई नई बात आप सीख सकते हैं। व्यापार में उचित लाभ की प्राप्ति हो सकती है। ऑनलाइन व्यापार कर रहे लोगों को आज कोई बड़ा ऑर्डर मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। धनु राशि वालों, आज का दिन सुनहरे पल लेकर आएगा। साहित्य के क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। करियर में आप नए आयाम स्थापित करेंगे। किसी काम में जीवन साथी की सलाह फायदेमंद रहेगी। दोस्तों के साथ मूवी जाने का प्लान बनाएंगे।
ऑफिस में किसी काम को लेकर आपकी तारीफ होगी जिससे आपका मन खुश रहेगा। जो लोग फिल्म जगत से जुड़े हैं उनको आज कोई बढ़िया ऑफर भी मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। मकर राशि वालों, आज आपका दिन व्यस्तता में बीत सकता है। आप नई जिम्मेदारी लेने में थोड़ा संकोच कर सकते हैं। आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल बना रहेगा। भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। कला और साहित्य के क्षेत्र में रुझान रहेगा। माता पिता का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। कुछ खास कामों में दोस्तों से मदद मिल सकती है जिससे दोस्ती और मजबूत होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 8। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। आज आपके दांपत्य रिश्ते मधुर होंगे। रोजमर्रा के कामों से आपको फायदा होगा। कारोबार में पैसा लगाने के बारे में सोच सकते हैं। आपको कई नए काम करने के मौके मिलेंगे। आप दूसरों की मदद के लिए तैयार रहेंगे। परिवार में लाभ की स्थिति बनेगी। रचनात्मक काम से आपको फायदा होगा। अचानक धन लाभ होने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 9। मीन राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। कुछ लोगों की मदद से आपके काम पूरे हो सकते हैं। आपको कोई अच्छी खुशखबरी मिलेगी, कोई अच्छी खबर मिलेगी। जीवन साथी आज आपकी हर बात समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही वो किसी काम में आपसे सलाह भी लेंगे। आप लोगों की इच्छाएं समझने की कोशिश में लगे रहेंगे। कुछ नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज किसी पौधे में पानी दें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज ज़रूरतमंद को खीर खिलाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपके कार्य क्षेत्र में कुछ चुनौतियां आएंगी। आप उनसे न घबरा कर उद्देश्य के प्रति जागरूक रहें। मूलांक 2, अपने खान पान को संतुलित रखने की आदत से आज आप सेहतमंद रहेंगे। मूलांक 3, आज अचानक धन लाभ होने के कारण आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। मूलांक 4, आज आपको बच्चे की तरफ से सरप्राइज मिलेगा, इससे आपको खुशी होगी। मूलांक 5, आज आपके लिए संपत्ति की खरीदारी के प्रबल योग हैं। आप कोई मकान, दुकान या भवन खरीद सकते हैं। मूलांक 6, आज सरकारी क्षेत्र से जुड़ी किसी भी जवाबदेही के प्रति आपको सतर्कता बरतनी होगी। मूलांक 7, अपनी संतान की प्रगति देखकर आज आपको प्रसन्नता होगी। उनका बदला व्यवहार आपको अच्छा लगेगा। मूलांक 8, आज किसी से भी बेवजह न उलझें। किसी से बात करते समय धैर्य के साथ बात करें। मूलांक 9, कार्यस्थल पर आपके कार्यों को लेकर सम्मान मिलेगा। लोग आपका अनुकरण करेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे पूर्व दिशा में हरे रंग की कैंडल्स लगाने के बारे में। दरअसल पूर्व दिशा का संबंध काष्ठ तत्व से है और काष्ठ का संबंध हरे रंग से है। लिहाजा इस दिशा में हरे रंग की कैंडल्स लगाने से आपको उस दिशा से संबंधित शुभ फलों की प्राप्ति होगी। पूर्व दिशा में हरे रंग की कैंडल्स लगाने से आपके ज्येष्ठ पुत्र यानी घर के बड़े बेटे की जीवन की गति हमेशा बनी रहेगी। उसकी सफलता के मार्ग में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आती। साथ ही इससे आपके पैर मजबूत रहते हैं और पैर संबंधी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलता है। वास्तुशास्त्र में यह थी चर्चा पूर्व दिशा में हरे रंग की कैंडल्स लगाने के बारे में। देखो, इसके पहले कि हम ये कहें कि उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फ़ायदा जरूर उठाएंगे, हम आपको एक बात याद दिलाएं। देखो, हर दिशा के कुछ फ्रेंडली कलर्स हैं और कुछ इनिमिकल कलर्स हैं। तो हम आपको जहाँ जहाँ याद आएगा इनिमिकल कलर्स की याद दिलाते रहेंगे। पूर्व और दक्षिण पूर्व में पीला रंग शुभद नहीं है। अगर आप वहाँ पीला रंग लगाएंगे तो आपके माता तत्व की हानि होगी। यानी अगर पीले रंग की मोमबत्ती पूर्व या दक्षिण पूर्व में जलाएंगे तो आपके मातृ तत्व की हानि होगी। इसको याद रखिए। आगे चलते हैं। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और गुरुवार का दिन है।
पूर्णिमा तिथि आज शाम 7:24 तक रहेगी। आज दोपहर 12:13 तक परिघ योग रहेगा। परिघ योग में शत्रु के विरुद्ध किए गए कार्यों में सफलता मिलती है, अर्थात शत्रु पर विजय अवश्य मिलती है। साथ ही आज सुबह 9:17 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद अनुराधा नक्षत्र लग जाएगा। विशाखा नक्षत्र की चर्चा तो हम आपसे कल ही कर चुके हैं, लिहाजा आज हम बात करेंगे अनुराधा नक्षत्र के बारे में। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की गिनती में से अनुराधा 17वां नक्षत्र है। इसकी राशि वृश्चिक है। अनुराधा नक्षत्र को बुद्धिमत्ता, विवेक, शक्ति और संरक्षण की क्षमता के साथ जोड़कर देखा जाता है। साथ ही इसका संबंध मौलशी के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को अनुराधा नक्षत्र के दौरान मौलशी के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही मौलशी के पेड़ उसकी लकड़ियों, फल या पत्तियों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले परिघ योग और अनुराधा नक्षत्र के बारे में। और अब बात करते हैं बुध पूर्णिमा की। आज वैशाख महीने की वैशाखी पूर्णिमा है। शास्त्रों में वैशाख महीने की पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। आज के दिन भगवान सत्यनारायण के निमित्त व्रत रखने का विधान है। आज के दिन जो व्यक्ति भगवान सत्यनारायण की पूजा करता है, उनकी कथा का पाठ करता है और भगवान को केले की फल, तुलसी दल आदि का भोग लगाता है, उसके परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। बड़ा सीधा फंडा है। सत्यनारायण यानी सत्य रूपी नारायण, यानी जीवन में जब भी आप सच बोलते हैं, आप नारायण को आत्मसात करते हैं। पूर्णिमा के दिन क्यों सत्यनारायण कथा? क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरा बलि रहता है, तो पूरे मन से आप इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि सत्य ही नारायण है। और सत्य को नारायण के रूप में आत्मसात जब जब करेंगे तो घर में सुख शांति और समृद्धि सदैव बनी रहेगी। जब जब झूठ बोलेंगे, जब जब झूठ का सहारा लेंगे तो पीड़ा को आमंत्रण देंगे, सत्य का सहारा लेंगे सुख को आमंत्रित करेंगे। इसके अलावा वैशाख पूर्णिमा को विशेष तौर पर बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। बौद्ध धर्म में इस दिन का बड़ा महत्व है, क्योंकि इसी दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही भगवान गौतम बुद्ध को 7 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद बिहार के बोधगया के बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी। इसके अलावा गौतम बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण समारोह यानी उनके जीवन का अंतिम दिवस भी वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है। इसके अलावा आज वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया था, कूर्म यानी कछुआ, जिसके कारण आज के दिन को कूर्म जयंती के रूप में मनाया जाता है। कूर्म यानी कछुआ भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है। आपको बता दूं कि समुद्र मंथन के दौरान देवताओं की सहायता के लिए और मंदराचल पर्वत को डूबने से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने कूर्म का अवतार लिया था, जिसकी पीठ का घेरा 1,00,000 योजन का था। आपको ये भी बता दूं कि समुद्र मंथन के दौरान ही श्री विष्णु ने कूर्म सहित अपना दिव्य रूप दिखाया था। अतः आज का दिन बड़ा ही विशेष है। किसी तरह के निर्माण संबंधी कार्य के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही भूमि पूजन और वास्तु संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आज कूर्म जयंती का दिन उत्तम है। आज कूर्म जयंती के दिन विशेष अवसर पर हम आपको 15 अंकों वाले उस कूर्म यंत्र के बारे में जानकारी देंगे, जिसे अपने घर में स्थापित करके आप वास्तु संबंधी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, साथ ही अपने कार्यों को भी सफल बना सकते हैं और अपने घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण कूर्म यंत्र के बारे में। आप चाहें तो इस कूर्म यंत्र को तांबे की धातु पर बनवा सकते हैं या स्वयं भोजपत्र पर अनार की कलम से अष्टगंध के द्वारा इस यंत्र का निर्माण कर सकते हैं। अगर आपके पास भोजपत्र आदि चीज़ें उपलब्ध न हो तो आप एक सफ़ेद कोरे कागज पर लाल पेन से यंत्र बनाइए। और यंत्र किस प्रकार बनाना है इसकी विधि मैं आपको अभी बता देता हूँ। 15 का यंत्र बनाने के लिए सबसे पहले आपको भोजपत्र पर अनार की कलम से और सफ़ेद कोरे कागज पर लाल पेन से एक वर्गाकार आकृति बनानी है। उस वर्गाकार आकृति में 9 खाने बनाने हैं, यानी
पहले दो लाइनें ऐसे, फिर दो लाइनें ऐसे, नौ खाने हो गए। हर एक पंक्ति में बाईं से दाईं तरफ तीन खाने होंगे। अब पहली पंक्ति में बाईं से दाईं तरफ जाते हुए विभिन्न तीन खानों में क्रमशः लिखिए 6, 1 और 8। फिर दूसरी पंक्ति में बाईं से दाईं तरफ जाते हुए विभिन्न तीन खानों में क्रमशः 7, 5 और 3 लिखिए। इसी तरह आखिरी पंक्ति में भी बाईं से दाईं तरफ क्रमशः 2, 9 और 4 लिखिए। इस प्रकार आपका 15 का यंत्र बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ एक बात और आपको बता दूं कि इस यंत्र का निर्माण करते समय एक शाबर मंत्र का जप भी करना चाहिए, जो है ओम नमो चामुंडा माई आई घाई मुआ मरा लिया उठाई बाल रखे बालनी कपाल राखे कालिका दाई भुजा नृसिंह वीर बाई हनुमंत वीर राखे वीरों का वीर खेलता आवता वीर लगावे पाए जो ये घट पिंड की रक्षा करे तो उलट वेद वाही पर पड़े। इसको आप फिर से सुन लीजिए। ओम नमो चामुंडा माई आई घाई मुवा मरा लिया उठाई बाल रखे बालनी कपाल राखे कालिका दाई भुजा नृसिंह वीर बाई हनुमंत वीर राखे वीरों का वीर खेलता आवता वीर लगावे पाए जो यह घट पिंड की रक्षा करे तो उलट वेद वाही पर पड़े। और लास्ट में एक शब्द है चलो। जो ये घट पिंड की रक्षा करे तो उलट वेद वाही पर पड़े चलो। इस प्रकार यंत्र का निर्माण करके उसे उचित स्थान पर स्थापित करके उसकी विधि पूर्वक धूप दीप आदि से पूजा करें और पूजा के बाद आप उस यंत्र को अपने घर या ऑफिस में जहां चाहें स्थापित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको किसी तरह के वास्तु संबंधी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपको अपने हर कार्य में सफलता मिलेगी। इसके अलावा आप इस कूर्म यंत्र से और क्या क्या लाभ उठा सकते हैं इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अगर किसी कारणवश आपका मकान या फ्लैट वास्तु के अनुसार नहीं बना है और उसमें वास्तु संबंधी किसी प्रकार की परेशानी बनी हुई है तो आज के दिन आपको भूमि पर आसन बिछाकर उस पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से महावास्तु मंत्र का कम से कम 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं कूर्माय वास्तु पुरुषाय स्वाहा। इस प्रकार मंत्र जप के बाद भगवान विष्णु के कूर्म स्वरूप का ध्यान करते हुए उचित विधि से कूर्म या 15 का यंत्र बना लें या फिर किसी उचित जगह से धातु आदि पर बना यंत्र प्राप्त कर लें। अब उस यंत्र को उचित स्थान पर स्थापित करके उसके मुख की तरफ सूर्यदेव का चित्र बनाएं और दूसरी तरफ चंद्रमा की आकृति बनाएं। फिर उस यंत्र पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर धूप दीप आदि से उसकी पूजा करें और उसके बाद यंत्र को संभाल कर अपने पास रख लें या घर के ईशान कोण में स्थापित कर दें। इस प्रकार आज के दिन यंत्र की स्थापना करने से आपको बिना तोड़फोड़ किए वास्तु संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपके नए भवन का निर्माण कार्य चल रहा है तो आज के दिन एक चांदी का बना हुआ कछुआ खरीद कर अपने भवन की नींव में दबाएं। लेकिन अगर आप चांदी का कछुआ नहीं खरीद सकते तो मिट्टी का कछुआ खरीद कर दबाइए। अगर वो भी नहीं खरीद सकते तो एक सफ़ेद रंग के कागज पर कछुए की आकृति बनाकर उसके नीचे ओम कूर्माय नमः लिखकर भवन की नींव में दबा दें। अब यहाँ देखो फर्क ये है कि अगर मिट्टी का दबाना है तो नॉर्थ ईस्ट में दबाना चाहिए या सेंटर में दबाना चाहिए या साउथ वेस्ट में दबाना चाहिए। अगर चांदी का बना रहे हैं तो उत्तर पश्चिम दिशा में दबाना चाहिए, ठीक है। और अगर कागज का है तो कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि अधिक महत्व चांदी के कछुए का ही है। आज के दिन ऐसा करने से आपके भवन पर किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी और आपका जीवन खुशहाल बना रहेगा। वहीं जो लोग अभी किसी भवन आदि का निर्माण नहीं करवा पा रहे हैं लेकिन जल्द ही करवाने वाले हैं, उन लोगों को भी आज के दिन चांदी से बना कछुआ खरीद कर अपने घर के मंदिर में स्थापित करना चाहिए और उसकी विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए।
बाद में आप जिस दिन भी अपने भवन आदि का आदि की नींव का कार्य शुरू करवाएं तो उस कछुए को नींव में दबा दें। इससे आपके परिवार की तरक्की हमेशा होती रहेगी। इसके साथ ही अगर आपके बच्चे का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है और वो एक अलग ही दुनिया में खोया रहता है तो आज के दिन भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की उपासना करके मिट्टी से बने कूर्म यानी कछुए को बच्चे के पढ़ाई वाले कमरे में स्थापित कर दीजिए। इससे धीरे धीरे करके बच्चे का ध्यान पढ़ाई में लगने लगेगा। इसके अलावा आपको एक खास बात और बता दूं, आज ही के दिन 10 महाविद्याओं में से एक माता छिन्नमस्ता की जयंती भी है। आज ही के दिन माता छिन्नमस्ता का प्रादुर्भाव हुआ था जिसके कारण आज के दिन छिन्नमस्ता जयंती मनाई जाती है। सारे कार्यों को सिद्ध करने वाली 10 महाविद्याओं में से एक माँ छिन्नमस्ता को चिंतपूर्णी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी पूजा से व्यक्ति को तंत्र मंत्र की सिद्धि भी प्राप्त होती है। माँ छिन्नमस्ता दया और ममता की पराकाष्ठा है और इस बात का प्रमाण इसी से मिलता है कि उन्होंने अपनी दो सहचरियों की भूख मिटाने के लिए अपना सिर काट दिया था, जिसके बाद ही देवी माँ को छिन्नमस्ता कहा गया है। छिन्नमस्ता का अर्थ होता है कटा हुआ मस्तक। माँ छिन्नमस्ता का विस्तार पूर्वक वर्णन मार्कंडेय पुराण और शिव पुराण में देखने को मिलता है। अब देखो, रांची से कुछ दूर छिन्नमस्ता देवी का मंदिर और भी जो चिंतपूर्णी देवी का मंदिर है वो भी, तो ऐसा छिन्नमस्ता देवी के विभिन्न मंदिर हैं जो बड़े सिद्ध हैं और वहाँ जाने पर अच्छा माँ छिन्नमस्ता के दर्शन राहु से जो राहु से पीड़ा है उससे मुक्ति पाने के लिए भी किया जाता है। तो अब आज माँ छिन्नमस्ता की जयंती के दिन माँ छिन्नमस्ता के मंत्र पढ़ने से राहु कृत पीड़ा से भी आपको मुक्ति मिल सकती है। माँ छिन्नमस्ता के जिस विशेष प्राप्त मंत्र का वर्णन किया जाता है उसके बारे में भी बता दूँ। ओम श्रीं ह्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वैरोचनीय ह्रीं ह्रीं फट स्वाहा। आपको बता दूं कि ये मंत्र बड़ा विशेष है, लेकिन आपको यहाँ एक बात और बता दूं कि मंत्र महोदधि में इस मंत्र में क्लीन शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। समझ लीजिए और समझ के काम करिए जो भी कर रहे हैं। इससे कोई हानि नहीं है आपको, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मंत्र महोदधि जो मंत्रों की बड़ी ऑथेंटिक पुस्तक है उसमें क्लीन का उल्लेख नहीं है, लेकिन परंपरा से क्लीन शब्द दिया जाता है। पहले ये वाला सुनिए जो हमने पहले आपको बताया था, इसमें क्लीन जुड़ा हुआ, फिर हम आपको मंत्र महोदधि वाला सुनाते हैं। तो ये वाला है ओम श्रीं ह्रीं ह्रीं क्लीं। ओम श्रीं ह्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वैरोचनीय ह्रीं ह्रीं फट स्वाहा। अब आप मंत्र महोदधि वाला सुनिए। ओम श्रीं ह्रीं ह्रीं ऐं वज्र वैरोचनीय ह्रीं ह्रीं फट स्वाहा। आज के दिन माँ छिन्नमस्ता के मंत्र को सिद्ध करके जैसा हमने बताया आप सफलता पा सकते हैं। इस मंत्र को सिद्ध करने की विधि क्या है? मंत्र जप से पहले धातु आदि से बने माँ छिन्नमस्ता के यंत्र या मूर्ति को एक साफ सुथरे बर्तन में रखकर, संभव हो तो तांबे के बर्तन में रखकर उनका घी से अभ्यंग करें यानी उन्हें घी से स्नान कराएं, फिर उस पर दूध की धारा डालें और फिर जल की धारा डालें। इसके बाद शुष्क वस्त्रेण संशोष्य यानी साफ कपड़े से पोंछकर उस यंत्र या पुष्प मूर्ति को पुष्पों के ऊपर स्थापित करें, फिर उसकी विधि पूर्वक पूजा करें और देवी माँ का ध्यान करके मंत्र जप करें। मंत्र एक बार फिर बता दूं, ओम श्रीं ह्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वैरोचनीय ह्रीं ह्रीं फट। ओम श्रीं ह्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वैरोचनीय ह्रीं ह्रीं फट। वैसे तो इस मंत्र का पुरस्चरण 400,000 जप है, लेकिन एक दिन में इतना जप संभव नहीं है, इसलिए आप आज के दिन से केवल 1,000 मंत्रों का जप करके भी लाभ उठा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जितना भी जप करें उसका 10वां हिस्सा हवन जरूर करें, यानी 1,000 मंत्रों के जप के हिसाब से आपको 100 बार हवन करना चाहिए, यानी हवन में 100 आहुतियां देनी चाहिए। अब मान लो हवन नहीं कर सकते तो 100 बार मंत्र और पढ़ लीजिए, साथ ही हवन का 10वां हिस्सा
तर्पण करना चाहिए, यानी 10 बार तर्पण करना चाहिए। तर्पण का 10वां हिस्सा मार्जन करना चाहिए और मार्जन का 10वां हिस्सा ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। लेकिन अगर आप सारी क्रियाएं करने में समर्थ न हो तो उस क्रिया की संख्या को भी जप में जोड़ लीजिए। बस ध्यान रहे कि ब्राह्मण भोज आपको अवश्य ही कराना चाहिए, उसकी संख्या जप में नहीं जोड़नी चाहिए। इस प्रकार आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद आप विशेष सिद्धियों की प्राप्ति के लिए प्रयोग करने में समर्थ हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ तो ये तो हमने बताया कि जैसे आप 4 लाख नहीं कर सकते तो 1000 कर लो, 100 कर लो, 108 कर लो, जो करना, लेकिन जो भी करोगे लाभ होगा। लेकिन अगर आप 4 लाख मंत्र करना चाहते हैं तो इस पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा तक 4 लाख मंत्र कर लीजिए, 30 दिनों में बराबर से डिवाइड कर लीजिए। ये महीना 31 का है, उस हिसाब से डिवाइड कर लीजिए पूर्णिमा तक देख करके। अब वो कई तारीख को पूर्णिमा आ रही है वो देख करके डिवाइड करिए, दशांश हवन, दशांश तर्पण, मार्जन सब जोड़िए उसमें, और जोड़ के इक्वल पर डे में डिवाइड कर लीजिए और लास्ट में ब्राह्मण भोजन करेंगे, सिद्ध हो जाएगा। अब जब ये सिद्ध हो जाए मंत्र, तो बेल के फूलों से हवन करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, इसको नोट कर लीजिए। गूलर और पलाश के फूलों से हवन करने पर भी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, इससे आपकी धन दौलत में खूब बढ़ोतरी होती है। बेल के फलों से हवन करने पर व्यक्ति की बेहतरी सुनिश्चित होती है। मालती के फूलों से हवन करने पर वाणी सिद्ध होती है, मालती के फूल। चंपा के फूलों से हवन करने पर सुख की प्राप्ति होती है। सफ़ेद कनेर के फूलों से हवन करने पर व्यक्ति स्वस्थ रहता है और सुख से जीवन जीता है। तिल और चावल से हवन करने पर साधक किसी को भी अपने वश में कर सकता है। इसके अलावा आपको आज के दिन किया जाने वाला एक खास उपाय और बता दूं। आज के दिन जो व्यक्ति गंध आदि से देवी माँ की पूजा करके मूल मंत्र के जप के बाद देवी माँ के कवच का एक बार पाठ करता है, उसे 1 वर्ष तक की गई पूजा का फल मिलता है। साथ ही अगर इस कवच को भोजपत्र पर लिखकर उसकी गोली बनाकर सोने की धातु में डालकर दाहिने हाथ में या गले में या शरीर पर कहीं भी अन्य धारण किया जाए तो धारण करने वाले व्यक्ति को हर प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती और वो सबको अपने वश में करने की ताकत रखता है। उसके घर में लक्ष्मी तथा मुख में सरस्वती निवास करती है। तो ये थी आज परिघ योग, अनुराधा नक्षत्र, कूर्म जयंती और माता छिन्नमस्ता जयंती के बारे में। साथ ही आज कुछ खास उपाय करके कैसे शुभ फलों को प्राप्त कर सकते हैं, हमने इनकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का भरपूर लाभ जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मथुरा के नंदगांव में बने प्राचीन वृंदा देवी मंदिर के दर्शन के लिए। कहा जाता है कि नंदगांव से थोड़ी ही दूरी पर स्थित इस स्थान पर भोर के समय राधा कृष्ण मेला करते थे। दोपहर के समय वे राधा कुंड और रात्रि के समय में वृंदावन में भेंट करते थे। यहीं पर एक सुंदर मंदिर है जिसके अंदर माता वृंदा यानी तुलसी माता की प्रतिमा है। यहाँ पर एक कुंड भी है जिसे गुप्त कुंड कहा जाता है। गुप्त कुंड ब्रज के महत्वपूर्ण कुंडों में से एक है। ये ब्रज के 3 योगपीठों में से एक माना जाता है। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। तो पूर्णिमा के दिन तिल के तेल से बनी चीज़ों का और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। तो पूर्णिमा तिथि आज है और जब पूर्णिमा समाप्त हो जाए, पूर्णिमा आज शाम 7:24 तक रहेगी, उसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। प्रतिपदा तिथि में कद्दू का सेवन निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते आपको बता दूँ कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज किसी फ्रेंड को खाना खिलाइए, सारे दिन आपको खुशियाँ ही खुशियाँ हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।